मैंने आया था और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके, क्योंकि मेरा मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी है और श्रम और नियुक्त विभाग है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास था और उसका करने के बाद मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो किसी ने कहा कि यहाँ तीन बड़े बड़े फैक्ट्री था, एक कपड़ा मिल था, एक पेपर मिल और एक नल क्या इम्फा, ये जो जय पंडा जी का जो इंडस्ट्री है। और बताया गया कि उड़ीसा का पहला ESI हॉस्पिटल रास्ते में मिलेंगे। तो मैं सोचा उड़ीसा का पहला जो हमारा लेबर मिनिस्ट्री का ESI हॉस्पिटल है तो थोड़ा देख के जाते हैं। हॉस्पिटल में तो 24 घंटा ही काम होता है, इसलिए सोचा कि थोड़ा देख के जाएं। तो यहाँ के देखने के बाद यहाँ जो बिल्डिंग बनाया था, बहुत सुंदर बिल्डिंग एक समय बना था जब बनाया गया था, लेकिन आज बताया गया कि तीन तीन जो बड़े बड़े फैक्ट्री थे, एक कपड़ा मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, सिर्फ एक फैक्ट्री चल रहा है। तो ये हॉस्पिटल बना था लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए, उनका ट्रीटमेंट हो, क्योंकि हमारा इंडिया में 160 हॉस्पिटल है, लेबर मिनिस्ट्री से हम चलाते हैं, करीब 8 मेडिकल कॉलेज है जिसमें 6 मेडिकल कॉलेज फंक्शनिंग है, 2 शुरू करने वाले हैं। तो ये हॉस्पिटल भी 160 में आता है, तो उसको थोड़ा जानने की कोशिश किया, लेकिन आके देखा कि यहाँ भी कोई स्टाफ है नहीं और बताया गया कि बहुत लोग रिटायर हो गया है, कोई सूरत ये हॉस्पिटल चल रहा है। मैं ज़रूर इस हॉस्पिटल के बारे में जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ मेडिसिन आता है कि नहीं, हम साल में कितना पैसा देते हैं, यहाँ कितना यहाँ स्टाफ है, कितना डॉक्टर है, इसका हिसाब ज़रूर लेंगे। क्योंकि दिल्ली जाने के बाद, आज ही मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लेबर ही हूँ। हम लोग भी आज से 200 साल पहले मध्य प्रदेश से असम गया था लेबर के लिए, चाय बागान में काम करने के लिए। आज मैं लेबर ही, आज भारत सरकार में मैं लेबर मंत्री बन गया। तो मैं गरीब के बारे में मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। और इसीलिए सोचा कि हमारा लेबर भाई लोगों का जो हॉस्पिटल है, पहला हॉस्पिटल उड़ीसा का, उसका क्या हालत है थोड़ा जान के जाऊँ। और आके देखा ये हालत बहुत ख़राब है, ज़रूर इसका बारे में हम लोग को सोचना होगा, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। और ज़रूर ऑफिस के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ये हालत ऐसे होने के कारण क्या है, क्योंकि कल भी हम लोग परसों हम लोग एक ई पोर्टल हम लोग शुरू किए। ई पोर्टल के द्वारा भारत में 81% हमारा लेबर है, और 81% मतलब 38 करोड़ लेबर को हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक मुहिम चलाया है। पूरा भारत में हम लोग 38 करोड़ हम लोग लेबर को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ई पोर्टल के द्वारा, और रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही साथ उनका इंश्योरेंस हो जाएगा। और वो व्यक्ति अगर कोई कारण से, भगवान ना करे, अगर मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, तो उसका परिवार 2 लाख रुपया मिलेगा। फिर आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि हमारे जो लेबर भाई हैं भारतवर्ष में, उनके लिए कुछ और नए योजना हमें लाना होगा। आज भारत में हमारी 160 ESI हॉस्पिटल है, और आज उड़ीसा का जो पहला हॉस्पिटल है उसका हालत देखा कि बहुत ख़राब है। ज़रूर हमारी मंत्रालय की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। प्रथम तो आपण मैंने भी ठिकार लोकाल सांबादिक मैंने आपने जानते 14 ESI हॉस्पिटल ओडिशा टेक्सटाइल मिल और थापर ग्रुप्स टीपीएम बंद होगापर यह अवहलित अवस्था को पड़े जाए जहाँ चलूला से आ राज्य सरकार का प्रति मनोभाव एटी जो जी रही चार्ज रे से रिटायर्ड जन जन रिटायर्ड होगा पर नुआ लोक आपॉइंटमेंट ना एवं तापर 14 ESI हॉस्पिटल को लोक आसुना कि जो लोक आस ठीक से ट्रीटमेंट पा ना एटिक आप सका आसवे आसला बेले क्या कौटी भेटे केत भेटे केमी भेटे कहीं कहवाक भी आप उत्तर प्रश्नर उत्तर देवाई भी लोक ना जीक आप गोटे रोगी जो अवस्था मानसिक स्थित गोटे लेबर स्तर लोक जो आसूँ एटी कार्डटे नहीं निजर चिकित्सापी विभिन्न प्रकार निर्यातना सहाय पड़ी
मुझे तादूर जन अन्यतम मुझे अनेक थर ईएसआई हस्पिटाल आमती ना क्या शुणिकिना कह निजे आजे यार स्थित तो देखी ये कौ भाई भाव में व्यवहार करोगी को अनेक अनेक बार आगुरी मुझे शुणी वर्षे ते सांसद निजे आसते कही रिनोवेशन कर बहुत टंका ये सांसन कर अमाउंट अवश्य भूली जाइए बहुत सांसद विधायक ये आसिक पहुँचले और पहुँचला कही चौदर को आम रिनोवेशन चौदर ईएसआई हस्पिटाल को रिनोवेशन करूँ और आपको स्पेशल आर्ट देकना आपको पुणी पूर्व अवस्था को फेर आणवु से कथा पाखे रहीगला और जहाँ पैसा आसला लोकालोचन को देखा को चून मारिकिना खाली रंग चून आप देखुवे कईमाटी रंग मराई मुझक खोलाखोली कथ कह निश्चित विधायक आधार संपृक्ति थी कारण जेहेतु हस्पिटाल विधायक अंडर अच्छी विधायक संपृक्ति मोर जो अभिज्ञता मुझे पाठ पढ़ा पिलाटी मोर जो ज्ञान अच्छी से ज्ञान हिसाब से कहूँ विधायक आधार डायरेक्ट सीधा सड़क संपृक्ति थी कारण एटी लेब हस्पिटाल कौटा चलो एटी कौटा इंफार फैक्ट्री चलो एटी कौटी छोटकाटिया फैक्ट्री खोल किए के जीव समस्त जिनस विधायक नलेज रोच विधायक जदि नलेज रोन भी सी कहते मोर मोर मत हो विधायक हाँ योग्य नुंत विधायक होती मानते से समस्त जिनस नलेज्रे अच्छी ये जहाँ भी घटी आज जहाँ पैसा भी जाए सब नलेज्रे ही जाए।